नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में भी हजारों श्रद्धालु दिनभर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला एवं एडिशनल SP समीर यादव, SDM सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन दिनभर मंदिर परिसर में डेरा डाले रहा। दोपहर बाद अचानक भीड़ बढ़ने लगी और पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्था और बढ़ा दी। शिवरात्रि पर्व पर उदयपुर में विशाल मेला भी लगता है, जिसके कारण से आसपास के हजारों की संख्या में लोग उदयपुर पहुंचते हैं। गंजबा सौदा से भोलेनाथ की बारात उदयपुर पहुंची, जहां पर भक्तों ने भोलेनाथ का अभिषेक किया एवं दर्शन किए। दर्शन किए हैं, जैसा मुझे बताया गया कि श्रद्धालुओं की संख्या भी कम है, उसका कारण संभवतः आसपास घटित घटनाओं के कारण ही है, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और लगभग सब प्रकार के फोर्स को मिला के लगभग 300 पुलिस कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी कहा जा सकता है, इतने यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे 3 तो उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं मुझसे, जिनको बारी बारी से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी में साथ उनका ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। जिला स्तर से कौन कौन यहाँ पर अभी अधिकारी? जिला स्तर से मतलब अभी हमारे पुलिस अधीक्षक आगे गए हैं सुबह, और अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पधारे हुए हैं, और बाकी हमारे यहाँ DSP अजय के आए हुए हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। और व्यवस्था में हमारे यहाँ जितना बंदोबस्त यहाँ लगाया जाता है उससे ज़्यादा बल लगाया गया। शिवरात्रि जो पड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 70 साल बाद ये योग बना है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, इसी तरीके से आज त्रयोदशी यानी प्रदोष शनिवार, शनि प्रदोष के हिसाब से ये शिवरात्रि मानी गई। फिर दूसरे दिन अमावस्या है, तीसरे दिन सोमवती अमावस्या है, 14 से तो इसका ये त्रिवेणी संगम बना है। ये बहुत ही 70 साल बाद ये ऐसा योग आया है और ये शिवरात्रि बहुत ही फलदायक, मतलब जो भी इन 3 दिनों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना तन मन से करते हैं तो उन्हें सब तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर सुबह जितनी पब्लिक थी, बीच में पब्लिक कुछ कम हो गई थी, धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी प्रकार प्रतिवर्ष उदयपुर में भी मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिनभर यहाँ, भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है और यहाँ पर दर्शन करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का। इसी के साथ यहाँ पर प्रशासन द्वारा पूरी जो व्यवस्था होती है व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था ना पहले पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय जो प्रशासन होता है उसके अधिकारी यहाँ निरंतर निगरानी रखते हैं। सुबह जिला पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर आई थी और उनने भी यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ जानकारी मिली एडिशनल SP भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जो भी यहाँ की व्यवस्था है उन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। टाइम न्यूज के लिए उदयपुर से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।